नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मोबाइल हमारी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा बन गया है। मोबाइल कुछ पल के लिए भी बंद हो जाए या हाथ से दूर हो जाए तो आप भी बेचैन हो जाते होंगे, लेकिन 24 घंटे मोबाइल अपने साथ रखने और उसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानना या अपने काम निपटाने के चक्कर में अपने बच्चों को मोबाइल थमा देते जो हैं हम, ऐसा करने से पहले केरल की खबर जो है आपको देख लेनी चाहिए। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां मोबाइल ने एक मासूम की जान ले ली है, उससे जुड़ी ये खबर है। स्मार्टफोन फटने की घटनाएं आम होती जा रही हैं, जिसके चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों को फ़ोन देने से पहले कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो आज हम शो में आपको बताएंगे कि आखिर मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, क्यों होता है मोबाइल में ब्लास्ट, क्या बैटरी गर्म होने पर फट सकता है मोबाइल, कैसे बचाएं अपने फोन को फटने से। इन तमाम सवालों को आज हम हमारे पैनलिस्टों के सामने रखने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं भावना कुमारी, प्रेसिडेंट द मोबाइल एसोसिएशन, साहिल मोहन गुप्ता, टेक एक्सपर्ट, डॉक्टर मनीष कुलश्रेष्ठ, जूरोलॉजिस्ट पारस हेल्थ उदयपुर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो भावना, यहाँ पर समझना मुझे ये है कि चलिए साहिल के पास आती हूँ, टेक्निकल सवाल है क्योंकि ये, उसके बाद में भावना आपके पास आऊँगी। साहिल, मोबाइल फटने का मामला नया नहीं है, ऐसे मामले हमने पहले भी बहुत सारे देखे हैं। हाल ही में जो हुआ है, 8 साल की बच्ची इसका शिकार हुई है। ये बताएं हमें कि वैसे तो अब ये, क्योंकि मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है, तो तमाम तरह की रिसर्च निकलेगी, तमाम तरह की खबरें आएंगी कि कैसे मोबाइल गर्म होता है, कैसे आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मोबाइल गर्म होना और मोबाइल फटना, क्या हर वो मोबाइल जो गर्म होता है वो फट जाता है? ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये मोबाइल फटने की जो कारण है, उसके पीछे मेन वजह क्या होती है? यूजुअली क्या होता है कि आपकी बैटरी में स्वेलिंग आ जाती है, वो फिजिकली आपको दिखना शुरू हो जाता है। बैटरी की स्टेट खराब हो चुकी होती है एंड फिर उस पर आप जब चार्ज करते हैं या उसको एक्सेसिव यूज करते हैं तो वो डेंजरस हो जाता है उसको इस्तेमाल करना। अब हमने ये पहले भी देखा हुआ है, करीबन 2017 में सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 7 लॉन्च किया था, जिसकी बैटरी में बहुत इश्यू था और फिर उनको वो फोन कैंसिल करना पड़ा। और पिछले कुछ सालों में भी हमने बहुत सारे ब्रांड्स का देखा है, रियलमी के फोन्स कितने फटे हैं और अभी ये वाला फोन बताया जा रहा है, ये शाओमी का रेडमी नोट 5 प्रो था जो 4-5 साल पहले ही लॉन्च हुआ था। तो इश्यूज ज्यादा होता है कि एक तो लोग ढंग से चार्ज नहीं करते। हम लोग पूरे टाइम फोन की बैटरी 100% चार्ज पे हो जाती है, उसको बार बार चार्ज करते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमारी एक बैटरी की एक चार्ज साइकिल होती है, उसकी भी एक लाइफ होती है, सो लिमिटेड चार्ज साइकिल्स होती हैं। तो आप जितना उस फोन को ज्यादा चार्ज करेंगे, वो साइकिल 100% पे कंप्लीट होती है, तो आप बार बार उसको चार्ज करोगे 100% अचीव होने के बाद, तो उसकी चार्ज साइकिल भी कम हो जाती है एंड बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, तो लोगों को ये पता नहीं रहता। ऑलराइट, भावना आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि यहाँ पर क्या नामी ब्रांड और क्या आम ब्रांड, मेरे ख्याल से सभी तरह के ब्रांड्स में हमने जो है फ़ोन फटने की केसेस पहले भी देखे हैं, अभी भी जो फटा है वो भी नामी ब्रांड का है। लेकिन अब कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि आप बहुत पुराने फ़ोनों का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए भी उनमें ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, लेकिन जब भी आप कोई महंगा गैजेट खरीदते हैं तो आप उसको लंबा ही चलाना चाहते हैं, कम से कम 3-4 साल तो आपका एक फ़ोन चलता ही है अगर आप ऐसे शख्स हैं जो एक प्लान्ड खरीदारी करते हो। अब ऐसे में क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत पुराना फोन आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हाँ चार्जिंग एटिकेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, उस पर मैं आगे आना चाहूंगी, लेकिन क्या यही एक बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है कि अगर आपने बहुत पुराना फोन जो है इस्तेमाल कर रखा है, क्योंकि प्रॉब्लम बैटरी की है, अगर आप पुराना फोन इस्तेमाल करते तो शायद उसमें आपका OS जो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वो अपडेटेड नहीं हो, तो वो एक अलग मसला नहीं हो जाएगा? या आपको लगता है कि पुराना फोन इस्तेमाल करना भी एक वजह होती है? आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है, वो ये कहता है कि पुराना फोन इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि बैटरी फटती है। एक्चुअली आजकल क्या है कि बैटरी इसलिए भी फटती है क्योंकि जो बैटरी की, जब आप एक फोन बनाते हो तो मोस्टली जो ब्रांड
ब्रांड्स होते हैं वो खुद से तो बैटरी बनाते नहीं है, वो डिपेंडेंट होते हैं बाकी सारे लोगों पे, और वो क्या है प्रोक्योर करते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर से, तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो बैटरी की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो अगर इस तरीके से बैटरीज पड़ रही हैं तो ब्रांड्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिस तरीके से वो फोन लॉन्च के समय ध्यान रखते हैं कि फोन अच्छा होना चाहिए, उसका OS अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, उतना ही ज्यादा उनको बैटरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इनको बना रहे हैं, क्या वो भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, क्या वो 1 ईयर की टेस्टिंग दे रहे हैं एक बैटरी के ऊपर, क्योंकि बैटरी का जब तक प्रॉपर साइकिल्स कंप्लीट नहीं होंगे और उसको जल्दी जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा और उसकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वो कोई भी ब्रांड हो जिसके भी अंदर वो बैटरी जाएगी तो वो फटेगा ही फटेगा। एंड अभी भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि खुद से बैटरी मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो उनको इतना आइडिया नहीं होता कि जो वो बैटरी ले रहे हैं वो भी डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर, कि उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से वो बैटरी ले लेते हैं। और ये क्या है कि एक लॉट की तो बात है नहीं, आप इतने फोन्स बना रहे हो, कितने लॉट्स आ रहे हैं, तो किस लॉट में ये प्रॉब्लम आई है, तो ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर्स जो भी फोन्स बना रहे हैं उनको ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, उनको ये देखना पड़ेगा कि जो भी बैटरी वो कहीं से भी खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, जो भी लॉट वो ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो और उसके पूरे साइकिल्स कंप्लीट हो, उसके अंदर सारे टेस्ट कंप्लीट हो, जो भी गवर्नमेंट ने बोल रखा है प्रॉपर तरीके से लैब उसकी टेस्टिंग करे, सो दैट इस तरीके की इश्यूज को मतलब कम किया जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर मनीष भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो गई है, जहाँ पर हम हर चीज़ के लिए गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फ़ोन हो या लैपटॉप हो। बात यहाँ पे केवल मोबाइल फ़ोन की हो रही है, और उसके गर्म होकर फटने का मामला हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसे में जब आप अपना फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं, बहुत अक्सर ये देखा गया है कि लोग फ़ोन को चार्ज में लगाकर बात करते रहते हैं या उस पर कोई काम करते रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोग बगल में ही फ़ोन को चार्ज पर लगा दिया और सो गए। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे कितना बचना चाहिए, कितना हानिकारक होता है इस तरह से अपने फोन को चार्जिंग में लगाना, और ये जो लापरवाही होती है एक तरह से लोगों की, इसका इम्पैक्ट आपके शरीर में और स्पेशली मेंटल स्टेटस और न्यूरोलॉजिकली अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या इम्पैक्ट है? जी देखिए, मोबाइल का यूज जो है नए जमाने का एक आविष्कार है, और इसमें उसी तरह से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सामने आ रही हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन का बहुत ही ज्यादा डेफिसिट हो जाना, बार बार गजेट होते हैं उसमें बार बार कंसंट्रेशन बदलता है, तो कंसंट्रेशन का एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। दूसरा, जो कुछ गजेट्स हैं, गेम्स हैं, उसके लिए बच्चे हैं आजकल, वो काफी एडिक्ट होते जा रहे हैं उसके। इवन ये जो एडिक्शन है वो बिल्कुल किसी ड्रग्स की तरह से होता है, और कई बार डी एडिक्शन भी इसका करना पड़ सकता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी इसके लिए बच्चों की लेनी पड़ सकती है। जहां तक इसके और हेल्थ हैजार्ड्स, जो कि स्ट्रक्चरल डैमेज जो अपने ब्रेन को या पूरे शरीर को करते हैं, वो अभी तक स्टडीज में फुली प्रूव नहीं हुए हैं। और जैसे कि हम लोग को सुनते हैं कि ये रेडिएशन से कैंसर होते हैं, उससे कैंसर होते हैं, मोबाइल के अंदर जो रेडिएशन होते हैं वो बेसिकली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। तो नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होते हैं वो कैंसर के लिए सेल्स को एक्टिवेट नहीं करते, वो डीएनए में कोई डैमेज नहीं करते, तो वो कैंसर आगे नहीं करते थियोरिटिकली। तो अब इससे कैंसर होने की संभावना बहुत कम है, ना कोई ब्रेन ट्यूमर मोबाइल के रेडिएशन से डिटेक्ट हुआ है अभी तक, और ना ही कोई शरीर में और कोई ट्यूमर। हाँ, जो रेडिएशन एक्सरे के होते हैं, सीटी स्कैन के होते हैं, और जो भी रेडियोथेरेपी के जो भी रेडिएशन होते हैं, उनकी वजह से कुछ कैंसर वेल डिस्क्राइब्ड हैं जो कि ब्रेन के अंदर होते हैं, जैसे मेनिनजियोमा करके एक ट्यूमर होता है, कुछ ग्लायोमास होते हैं वो रेडिएशन के कारण बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ हेल्थ हैजार्ड्स हैं जो कि आज जो कि रेडिएशन से होता है, और मोबाइल एज पर से कोई भी हेल्थ हैजार्ड नहीं अभी तक ह्यूमंस में डिटेक्ट हुआ है। स्टडीज अभी लॉन्ग टर्म स्टडी बहुत जरूरी है, 50-60 साल तक जब तक इसका यूज नहीं होगा तब तक लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके मालूम नहीं चलेंगे। इसके लिए कुछ एक टिप्स हैं कि आपको मोबाइल से जो रेडिएशन इंजरी है या जो कुछ भी हीटिंग इफेक्ट है उससे बचने के लिए, तो मोबाइल गैजेट जो भी है उसके पास में बहुत देर तक अपने को नहीं रहना है, और जब भी कभी मोबाइल में सिग्नल आपके कम हो तो उस समय बातचीत करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो मोबाइल का जो डिवाइस है वो आपका और ज्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी को गेट करने के लिए अपनी डिवाइस की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और वो उससे थोड़े रेडिएशन इफेक्ट और ज्यादा आते हैं। जब भी कभी लंबी बात करनी हो तो फिर अपने को जो ब्लूटूथ डिवाइस होती है या कुछ जो हैंड्स फ्री होते हैं उनका यूज करना चाहिए,
और बहुत लंबी बात करनी हो तो फिर आपको अपना लैंडलाइन का भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। बिल्कुल, इस पर हम वापस आएंगे एक बार चर्चा में, लेकिन साहिल, जो भावना ने शुरुआत में भी कहा कि जो बैटरी की क्वालिटी होती है वो भी बहुत मायने रखती है, लगातार जो फ़ोन बनाने वाली कंपनियां, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो अपने फ़ोन्स को तो अपग्रेड करते हैं लेकिन बैटरी पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्या ये वाकई हकीकत है? एक तो कोई भी फोन जब इंडिया में लॉन्च होता है तो BSSI की सर्टिफिकेशन उसको चाहिए होती है, और वो बैटरी अगर बैटरी क्वालिटी टेस्ट पास नहीं करती तो उसको सर्टिफिकेशन मिल नहीं सकती, फोन लॉन्च नहीं हो सकता इंडिया में। और ये भी बात सच है जो वो बोल रही थी कि ये सारी कंपनीज खुद अपनी बैटरी नहीं बनाती, सिर्फ सैमसंग, जहां तक मुझे पता है सैमसंग और LG, वो ये दो कंपनियां हैं जो जिनके बहुत बड़े बैटरी डिविजन है। इनफैक्ट उनकी बैटरी डिवीजन इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज भी बना रही है। बट अगर आप आईफोन को भी देखेंगे तो एप्पल बैटरी खुद बनाता नहीं है, वो डिजाइन कर लेता है और फिर किसी और को मैन्युफैक्चरिंग के लिए देता है। मगर ये भी बात सच है कि जो ज्यादा अफोर्डेबल जो सब 20,000 रुपी वाले फोन है, जैसे कि जो ये फोन जो अभी एक्सप्लोड किया है, इनके थर्मल शील्डिंग उतना बढ़िया नहीं होता, ओवरऑल पैकेज में प्रोटेक्शंस उतनी नहीं होती जितनी आप, जैसे कि अगर आप आईफोन खरीदेंगे या लेटेस्ट हाई एंड एंड्रॉइड फोन खरीदेंगे उनमें ज्यादा प्रोटेक्शंस होती है। मगर और एक और ट्रेंड आजकल निकला है कि ये सारे फोन्स बहुत फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं, तो फास्ट चार्जिंग की वजह से भी बैटरी डिग्रेड जल्दी हो जाती है। बट ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर्स इसका ध्यान रख रहे हैं। बट जो ये इस फोन का केस है, ये फोन काफी पुराना था और फिर इसकी बैटरी स्वेल हो गई थी एंड फिर उसकी बैटरी रिप्लेस की गई थी, तो वो काफी डिस्टर्बिंग चीज है क्योंकि एक साल बाद ये इंसिडेंट हुआ, बैटरी को इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होना चाहिए, तो ये डेफिनेटली एक डिफेक्टिव बैटरी का केस है। एक और चीज़ जो मुझे समझनी है, बहुत सारे लोग भावना फ़ोन तो अच्छा यूज़ कर लेते हैं लेकिन चार्जर अगर साथ में ख़रीदा हो या ना ख़रीदा हो, कई केसेस में तो आपको मिल भी जाता है, लेकिन अगर गुम हो गया हो तो वो ऐसे ही कोई लोकल चार्जर या किसी और फ़ोन का चार्जर इस्तेमाल करते हैं, क्या ये भी वजह हो सकती है कि आपका फ़ोन गर्म हो और फटने की नौबत आ जाए? एक्चुअली यस, चार्जर आपको अच्छा यूज़ करना चाहिए, बट चार्जर इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता कि चार्जर से बैटरी फट जाएगी। बैटरी इसलिए फट रही है क्योंकि बैटरी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि BIS सर्टिफिकेशन होनी चाहिए बैटरी की, लेकिन इसको कोई वैलिडेट नहीं कर रहा कि वो सर्टिफिकेशन कौन कितना जेन्युइनली ले रहा है। लोग क्या करते हैं, एक बैटरी बनाते हैं उसके साथ 10 बैटरी की सर्टिफिकेशन एक साथ ले लेते हैं, जिसमें कि 10 बैटरीज वो टेस्ट भी नहीं करवाते हैं। तो उस केस में जो क्वालिटी ऑफ बैटरी है ना, वो बहुत ज्यादा खराब होने के कारण थोड़े ही टाइम पे बैटरी स्वेल करती है, बैटरी चार्ज करने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। चार्जर को बहुत कम आप 5 to 10% ले सकते हैं कि ठीक है, अगर आप दूसरा चार्जर यूज करते हैं तो आपका चार्जिंग का इश्यू रहता है फोन के अंदर, बट जो फटने की प्रॉब्लम है मेजरली वो तो बैटरी के कारण हो रही है, क्योंकि वो बैटरी की क्वालिटी पे पूरा डिपेंड करता है। जब तक आपकी बैटरी की क्वालिटी अगर अच्छी है तो फिर बैटरी नहीं फटेगी। ऑलराइट, यही बात मुझे साहिल से भी पूछनी है। और साहिल, जैसे कि आपने कहा कि आजकल फास्ट चार्जर्स जो हैं वो मिलने लग गए हैं, लगभग हर तरह के ब्रांड में हम देख रहे हैं कि फास्ट चार्जर्स मिलते हैं आपको, क्या डेलिबरेटली आपको फास्ट चार्जर का चुनाव ना करते हुए नॉर्मल चार्जर का इस्तेमाल करना चाहिए, जस्ट सो आपका फ़ोन गर्म ना हो और किसी इस तरह की दिक्कत ना हो? अगर आप देखें सैमसंग और एप्पल को, उनके फोन्स अभी असल में सबसे स्लोएस्ट चार्जिंग फोन्स है मार्केट में। आईफोन 20 वाट की चार्जिंग मैक्सिमम सपोर्ट करता है, और सैमसंग का अगर आप गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, उनका सबसे महंगा फोन 45 वाट चार्जिंग करता है, वो भी फास्ट चार्जिंग है। बट अगर आप कोई OnePlus के फोन्स देख लीजिए या वीवो शाओमी के भी ऑल्सो, सब 120 वाट फास्ट चार्जिंग करते हैं, मतलब कि आधे घंटे से कम में आपका 5,000 mAh का बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाता है। अब ऑब्वियसली बहुत ही एविडेंट कंज्यूमर बेनिफिट है, मतलब कि बहुत जल्दी फोन फुल्ली चार्ज हो जाए तो किसका फायदा नहीं होगा उससे, मगर डेंजर्स हैं, कंसर्न्स हैं, एंड ये सारे मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं कि प्रोटेक्शंस वो बिल्ड कर रहे हैं इन फोन्स में। सॉफ्टवेयर जो बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है वो काफी इंटेलिजेंट होता है,
एंड उससे वो ख्याल रखते कि फोन ओवरहीट ना कर जाए, ऊपर से जो थर्मल एनवलोप है फोन का, जो हीट मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी काफी बढ़िया होता है। मगर फिर से मैं ये बात रिइटरेट करना चाहूंगा कि ये ज्यादातर रहता है सिनारियो हाई एंड फोन्स में। लोअर एंड फोन्स में जनरली ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी लो हो जाती है, ओवरऑल कंपोनेंट्स की क्वालिटी भी लोअर हो जाती है, थर्मल सिस्टम भी लोअर हो जाता है, सॉफ्टवेयर भी ज्यादा इंफीरियर होता है। तो इसलिए आप देखते हैं ज्यादातर ये इश्यूज लोअर एंड फोन्स में आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा बच्चों के एटिकेट्स पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी जो मामला आया है उसमें भी 8 साल की बच्ची जो है वो शिकार हुई है, ठीक है। अब ऐसे में बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को अपना फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, और ऐसे में आपके फ़ोन में ऐसी कई सारी वायरसेस या ऐसी कई सारी चीज़ें भी डाउनलोड हो जाती है। खैर वो मामला अलग है, लेकिन फ़ोन में खराबियाँ हो जाना इस सब की वजह से कैसे अपने बच्चों को इससे दूर रखा जाए, और ख़ासतौर से आपका फ़ोन जब चार्जिंग में हो तो बच्चों को इससे दूर रखा जाए, कोई खास आ, 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 एटिकेट्स जो आपको फॉलो करने चाहिए? देखिए, मोबाइल का जो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि बच्चे जो है आउटडोर गेम्स को बिल्कुल कम कर दिए हैं और सारा का सारा इंडोर में ही मोबाइल पे ही चिपके रहते हैं। इवन आजकल बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल का ही इस्तेमाल होने लग गया है। उसमें जो भी उसमें गेम्स हैं या फिर जो भी उसमें कार्टून्स हैं, बच्चे उसके इतने एडिक्ट हो गए हैं कि उससे उनको दूर रख पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। और माँ बाप भी अपने कम्फर्ट को देखते हुए, बच्चे उसमें बिजी हैं अपने किसी काम में, माँ बाप लगे हुए हैं तो उनको दे फील कंफर्ट के बच्चे मोबाइल देख रहा है, ठीक है। बट धीरे धीरे वो बच्चा उसके लिए एडिक्ट होता जा रहा है। उसका जो बचपन है, जो बचपन के जो आउटडोर गेम्स हैं जो उसके लिए बहुत नेसेसरी हैं, वो उनसे काफी दूर होता जाता है। और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब आप मोबाइल से उसको दूर करने की कोशिश करने लगते हैं, आप उसको पढ़ने के लिए कहने लगते हैं या कुछ, और देन वो चिड़चिड़ाने लगता है। तो बेसिकली एक तरह का एडिक्शन हो जाता है। और फिर इस एडिक्शन की वजह से वो उसके कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उसका मेंटल कंसंट्रेशन जो होता है, जो भी किसी चीज को लर्न करने के लिए बहुत जरूरी होता है, वो उसके डेवलप नहीं हो पाता बच्चे के। दूसरा, उसको नींद के संबंधित कुछ समस्या होने लग जाती हैं, इंसोमनिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है। फिर बच्चे के अंदर जो कई बार तो ऐसा देखा है, कुछ बच्चे बिल्कुल गेम्स के लिए एडिक्ट हो जाते हैं। कुछ फ्री फायर टाइप के इस तरह के गेम होते हैं, उनके कई ऐसे केसेस सामने आए हैं कि बिल्कुल ही उसमें जो बच्चे हैं बिल्कुल उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं और एक एक दो दो दिन तक वो उसकी बातें चलाते रहते हैं। तो ये सब चीजें अब इसमें एक बैलेंस करना पड़ेगा कि बच्चे को जो मोबाइल देखना है तो वो क्या कंटेंट देख रहे हैं, वो क्या गेम खेल रहे हैं, कौन सा गेम है, और जो चीजें हैं वो क्या देखी जा रही है, ये इस पर माँ बाप को इस पर ध्यान रखना चाहिए। और उनको आउटडोर गेम्स के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए, जिससे उनका फिजिकल एंड मेंटल बोथ दोनों तरह का उनका डेवलपमेंट हो सके। साहिल, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमें क्या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए बहुत ही सस्ते फ़ोन खरीदने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग आपको हर प्राइस बैंड में बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प मिलता है, और बहुत सारे लोग जो हैं ऑब्वियसली आप एक स्मार्टफोन ख़रीद रहे हैं तो आप फीचर्स को देखेंगे, आप तमाम तरह के पैरामीटर्स अपने लिए सेट करेंगे, लेकिन क्या ये अवॉइड करना चाहिए? साहिल, मेरा मेरा एडवाइस ये है, जो अफोर्ड कर सकते हैं आप वही खरीद सकते हैं। अब गाड़ियों में भी ऐसा ही है, अब जो ज्यादा अफोर्डेबल मारुति की गाड़ी है उनमें क्रैश टेस्ट रेटिंग बहुत लो होती है, और आप हाई एंड गाड़ियां जाते हैं तो उनमें आपको 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है। तो वैसा ही सिचुएशन सिनारियो है फोन्स में। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर आप ज्यादा बढ़िया फोन खरीदिए, ज्यादा हायर एंड फीचर्स भी आपको मिलेंगे, मगर वो फोन भी ज्यादा साल लास्ट करेगा। ओवरऑल में अगर आप देखें तो 3-4 साल अगर फोन इस्तेमाल करना है, अगर आप लो एंड फोन लेते हैं जो 10-12 हज़ार रुपए का होता है और हर साल आप चेंज करते हैं, उससे बढ़िया आप एक झटके में आप ज्यादा बढ़िया फोन ले लीजिए और उसको 3-4 साल चलाइए। बिल्कुल सही भावना। अब ऐसे में मोबाइल इस्तेमाल करने को लेकर किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? वैसे तो काफ़ी हमने चर्चा कर ही ली है, लेकिन कितना ज़रूरी है अपने फ़ोन को अप टू डेट रखना, और कितना ज़रूरी है लगातार अपने फ़ोन को बदलते रहना? एक अगर अगर मैं एक टाइम स्पैन समझना चाहूँ तो क्या 1 साल या थोड़ा सा उससे ज़्यादा आप एक फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं आजकल?
ऑब्वियसली हम लोग फ़ोन को 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें फ़ोन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि फ़ोन के रिव्यूज़ कैसे हैं, फ़ोन की चार्जिंग कैसे है। मार्केट में खरीदने से पहले हमें गूगल पे जा कर के रिव्यू ले सकते हैं, हम लोग ब्रांड से बात कर सकते हैं, दूसरे लोगों से पता कर सकते हैं अगर उन्होंने फ़ोन खरीदा है। और दूसरा, जब आप फ़ोन खरीद के लेकर आते हैं तो आप फ़ोन को देखिए, आप समझिए कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं कर रहा है काफी टाइम चार्ज करने के बाद, या फिर आप बात कर रहे हैं तो वो हीट तो नहीं कर रहा है। और अगर वो नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आपका फोन अच्छी कंडीशन में है। तो आपको जिस तरीके से आप कोई भी मशीन घर में लेते हैं तो आपको अवेयर होना पड़ता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको चेक करवाते हैं, सेम वे फोन भी वैसी ही चीज है। आप इतना यूटिलाइज कर रहे हैं उसको तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फोन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको जाके चेक करवाएं। और जब आप उसको चार्ज करते हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए कि अगर वो विद इन 1 आवर या 2 आवर में हॉट हो जा रहा है, या फिर उसकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है, और जैसा कि ब्रांड ने आपको प्रॉमिस किया था या मैन्युफैक्चर ने आपको बोला था, जो भी रिव्यू उसके थे कि इतना टाइम चलना चाहिए, उससे अगर डेविएशन है तो आप समझिए कि आपके फोन की क्वालिटी खराब है। आप उसी टाइम कस्टमर केयर पे फोन कीजिए, ब्रांड को जाके बताइए कि ये सब मेरे फोन में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से आप अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। और वैसे भी आपको कंटिन्यूअसली फोन बहुत टाइम तक नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप जरूर देना चाहिए, सो दैट फोन को भी थोड़ा कूलिंग का टाइम मिले। तो ये सब चीजें आप करके अपने आप को इस तरीके के प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। ऑलराइट, एक चीज़ जो मुझे साहिल से समझनी है, साहिल वैसे तो बैटरी को लेकर काफ़ी कुछ आपने समझा दिया है, लेकिन जब आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो क्या किसी तरह से आप ये देख सकते हैं, ये जांच पड़ताल की जा सकती है कि फ़ोन में किस तरह की बैटरी लगी हुई है? हालांकि बहुत डिटेल्स जो हैं जब फ़ोन लॉन्च होते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशंस में आ जाती हैं, बट अगेन ऐसा कोई तरीका कि आप सुनिश्चित कर सकें कि ये बैटरी की बनावट अच्छी है? अगर आप आईफोन लेते हैं तो उसके अंदर तो एक बैटरी हेल्थ सिस्टम दिया हुआ है। आप सेटिंग्स में जाके आप चेक कर सकते हैं आपकी बैटरी की हेल्थ कैसी है। मगर आप जब फोन खरीद रहे होते हैं, डब्बे पे बहुत फाइन प्रिंट में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होता है, मगर असल में उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होता नहीं है जो आम इंसान समझ पाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन होता है वैसे भी, वो तो मुश्किल है। मगर एक जरूर चीज लोगों को करनी चाहिए, और सिर्फ ये फोन्स के लिए नहीं, लैपटॉप्स के लिए भी आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड फोन्स में आप कई काफी सारी थर्ड पार्टी एप्स आती हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वो आपको पूरा आपकी बैटरी की हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि ओरिजिनल कैपेसिटी बैटरी की कितनी थी और अभी आपकी कितनी कैपेसिटी बची है। और ऐसे कमांड्स भी आते हैं विंडोज के लैपटॉप्स के लिए, और ऑब्वियसली अगर आपके पास में एप्पल का मैक है तो उसमें बैटरी हेल्थ जैसे आईफोन के लिए होता है वैसा सिस्टम इनबिल्ट है। और राइट, चलिए, तो ये तमाम बातें जो आपको ध्यान में रखनी है अपने फ़ोन का इस्तेमाल करने से पहले, और ख़ास तौर से अपने फ़ोन के बैटरी को लेकर आपको कुछ बातें हैं जो समझ लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में। लेकिन जाते जाते जो मैं आपको बोल रही थी, कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं और बताते हैं आपको इटिनॉ स्वदेश के टिप्स। ज़्यादा पुराने फ़ोन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग एक बार फ़ोन खरीद लेते हैं और इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उनको लगता नहीं है कि उसको अपग्रेड करना चाहिए। हाँ, आपके पास उतनी सहूलियत भी होनी चाहिए, पर अगर आप ऐसा कर पाए तो ज़रूर अपने फ़ोन को अपग्रेड कीजिए। फ़ोन के ज़्यादा गर्म होने पर उसे हाथ में ना रखें, चार्ज में लगाकर फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अभी अभी आपने सुना, डॉक्टर साहब बोल रहे थे किस तरह की हार्मफुल रेडिएशंस जो हैं वो निकलती हैं। और साथ ही फ़ोन को रात भर चार्ज पर ना लगाएं, और जितना हो सके आप जो फ़ोन में बैटरी है उसका इस्तेमाल करें, और जब वो आपको लगभग ख़त्म होती हुई दिखाई दे तभी ही आप अपने फ़ोन को चार्ज में रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप फ़ोन को चार्ज में रख देते हैं, वो रात भर चार्ज हो जाता है, और इसके वजह से भी फ़ोन की बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। और साथ ही अपने फ़ोन को लेकर आप एक तो सोई नहीं, उसको बेड में ना रखें, थोड़ा सा दूर रखें, और अगर थोड़ी देर के लिए ही सही अगर आपने चार्ज पर लगाया है तो अपने नज़दीक उसको चार्ज पर ना लगाएं कर, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और डिवाइस को लगभग 80% 80% तक ही आपको चार्ज करना है। बहुत चांसेस है कि एक्सेसिव चार्जिंग के बाद भी ओवरहीटिंग हो जाए या हीटिंग की शिकायत शुरू हो जाए। तो
जिस मोबाइल को आप देख रहे हैं, इस मोबाइल की वजह से कैलेंडर खत्म हुआ, कैलकुलेटर खत्म हो गया, घड़ी भी खत्म, और सोशल जीवन पर ग्रहण लग गया एक तरह से। ये मोबाइल जितना काम का है उतनी ही मुसीबत वाला भी है। तो इस मोबाइल का इस्तेमाल आपको संभल कर करना है, और हाँ, जीवन में थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स आपको अपनाना है, यानी कुछ घंटे या हफ्ते में एक दिन, कम से कम एक दिन मोबाइल से आपको दूरी बनानी है। चलिए, इन्हीं टिप्स के साथ मुझे भी आज की इस पेशकश में इजाजत दें। नमस्कार।